नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और हम ज़्यादातर कभी कभार प्रशासन की शासन की बहुत आलोचना कर देते हैं, लेकिन जब भी समाज की बात आती है तो सबसे पहले आगे शासन और प्रशासन आता है। और यही घटना है डिवाई की, जो कि बुलंदशहर ज़िले का एक कस्बा है। बुलंदशहर ज़िले के कस्बा डिवाई में एक अपहरण हो गया था और उस अपहरण को हुए लगभग 20 घंटे बीत चुके थे कि 20 घंटे के अंदर ही एक छोटा सा बच्चा जो कि अपहरण किया गया था वो मिल चुका था। तो हम यही घटना का आज आपको बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे ये घटना घटी थी और क्या क्या इस घटना में हुआ था। 5 लाख की फिरौती के लिए ये बच्चा उठाया गया था। और उठाया कहाँ से गया था, ये एक पेपर की कटिंग है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शेरकला डिवाई क्षेत्र का ही एक गांव है कसेरकला, वहाँ के पीएचसी से मंगलवार दोपहर को अपहृत हुए बच्चे को 20 घंटे के भीतर निकाल लिया गया है। और पुलिस थाना जो डिवाई क्षेत्र की जो पुलिस है, थाना डिवाई है, उसने बच्चे को बरामद कर लिया था। और कुछ 2-4 लोग होंगे उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। तो बात आती है कि ये किस गांव की घटना है और क्या है। डिवाई थाना क्षेत्र के गांव गोधना की यह घटना है, एक बच्चा जहां से अपहरण कर लिया जाता है। डिवाई थाना क्षेत्र के गांव गोधना निवासी शहजाद का 6 वर्षीय पुत्र सादान मंगलवार दोपहर 3 अन्य बच्चों के साथ पीएचसी कसेरकला में खेलने गया था। वहां से बाइक सवार दो बदमाशों ने बच्चे का अपहरण कर लिया था। एसएसपी श्लोक कुमार ने एसओजी प्रभारी दिनेश यादव को टीम के साथ बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए नियुक्त किया। जांच के दौरान अपहरण में गांव निवासी व्यक्ति सिराजुद्दीन उर्फ अपहरित बच्चा, जो अपहरण किया गया बच्चा था, उसके जो पिता हैं शहजाद के साथ केरल में फेरी लगाने का काम करता था। जो सिराजुद्दीन था, जो अपहरण करता था, वो उसी के पिता के साथ फेरी लगाता था। फेरी वाले वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी गली मोहल्ले में कपड़े बेचने आ जाते हैं, कभी कुछ करने आ जाते हैं। तो उसी का जो साथी था उसने ही उसके बच्चे को अपहरण कर लिया, जो कि समाज के लिए एक बहुत ही गंदा संदेश है। शहजाद जो था वो गुन्नौर जनपद संभल का निवासी था। उसके साथी शाहिद और मुसब्बिर निवासी गांव भुगाजीत नगलिया थाना बदायूं और मोहम्मद अरमान के साथ मिलकर शहजाद के जो पुत्र था उसका अपहरण को अंजाम दिया। मतलब कि कम से कम 4 या 5 लोग होंगे जिन्होंने इस अपहरण में साजिश रची। अब पुलिस पर सवाल ये उठता है कि तक कि जब बच्चा जो है शहजाद के घर पर नहीं आया, जो उसका पिता था, तो उसने वहाँ थाने में तहरीर दी। तहरीर के बाद भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और बदमाशों ने मंगलवार दोपहर बच्चे का अपहरण डिवाई कोतवाली क्षेत्र से किया। पुलिस को मामले की सूचना दोपहर करीब 2 बजे दे दी गई थी। इस दौरान बदमाश बच्चे को लेकर डिवाई, 5 थाने थे लगभग बीच में जहां से वो गुजरे थे, डिवाई थाना, नरौरा थाना और गुन्नौर और जरीफ नगर थाना क्षेत्र से 3 से 4 घंटे में गुजर गए, लेकिन पुलिस को कोई कानो कान खबर तक नहीं लगी, जो कि एक सवाल उठाता था। लेकिन 20 घंटे के अंदर इतनी घटना के होने के बावजूद भी, अपहरण होने के बावजूद भी, जो एसएसपी ने एसओजी की टीम लगाई थी, उस एसओजी की टीम ने 20 घंटे के अंदर उस बच्चे को बरामद कर लिया और माता पिता को सौंप दिया, जो कि पुलिस की बहुत ही
अच्छी बात है और उन्हें इसके लिए 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी SSP बुलंदशहर ने की है। इस कहानी से प्रेरित होकर जब पुलिस वालों ने 20 घंटे के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार किया तो इस घटना से प्रेरित होकर बच्चे का भी हौसला बढ़ा और उसने कहा कि वो भी बड़ा होकर एक पुलिस वाला बनेगा। तो बच्चे ने क्या कहा, बच्चे की बरामदगी के बाद SSP श्लोक कुमार ने पुलिस कार्यालय से प्रेस वार्ता की। इस दौरान अपहृत बच्चा भी अपने परिजनों के साथ वहां मौजूद था। बच्चे के परिजन SSP के साथ सेल्फी लेते नजर आए। बच्चे ने कहा कि वह भी बड़ा होकर एक पुलिस वाला बनेगा और देश की सेवा करेगा। तो ये थी डिवाई बुलंदशहर की घटना, जो कि एक कस्बा है बुलंदशहर ज़िले का। किस तरीके से पुलिस ने अपनी भागीदारी निभाई, हिस्सेदारी निभाई और माता पिता को उसके बच्चे से मिलवाया। तो मैं आपसे अपने चैनल एक संदेश के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि कहीं पर भी कोई अज्ञानी व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति कहीं पर आता है और किसी के साथ ऐसी घटना करता है तो आपको तुरंत पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए। यदि वो शक के दायरे में है तो 112 जो UP का डायल 112 नंबर है उस पर सूचना दे देनी चाहिए, जिससे ऐसी घटना आगे ना जा पाए, और पुलिस का भरसक सहयोग करना चाहिए, जिससे कभी ऐसी घटना अपहरण की घटती है तो कभी इस प्रकार की घटना ना घटे और माता पिता को उनका बच्चा मिल सके। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल एक संदेश, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।